झांसी के मऊरानीपुर में लड़कियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। जब उसकी जानकारी तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को हुई तो मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन दिलाकर मामले को शांत करवाया। बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बीते 15 नवंबर को मोहल्ले के ही 3 अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर लड़कियों के साथ छेड़खानी की और मारपीट भी की। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की, जिसको लेकर करीब 3 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। ये जो लड़कियां पानी की टंकी पर चढ़ी हैं, ये कौन है? ये हमारी बेटी है सर। क्यों चढ़ी है? ये इन लोगों को इंसाफ ना मिलने के कारण से। क्या इंसाफ चाहिए आपको? इन्हें इंसाफ ये चाहिए, इनके जो लड़के इन्हें छेड़खानी करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा चाहिए। इन्हें मुकदमा नहीं दी, प्रेम नारायण, प्रमोद और जयप्रकाश, कहाँ के हैं ये? गांधीगंज के हैं। अच्छा, धमकाने के बाद लड़कियां फिर जाती हैं पटखाने तो कहते झूठा मुकदमा, कल आना परसों आना। फिर 17 तारीख को मैं जाती हूँ शाम को तो मुझे कर्मचारी भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, जाओ यहाँ से। ये मुकदमा इसलिए लिखवाया कि ये जो बीच में जो लोग ये बचाने आई थी लड़कियों के ऊपर, लड़कियों ने ये धमकी दी कि आप लोग मुझे परेशान करते हो तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी जाके। तो कह रहा तुम क्या शिकायत करोगी, और सीधा मुकदमा ही लिखवा दिया उन्होंने। कह रहा लो बोल लो कितना बोलती, नहीं तो मेरी बात मानो। नेशन मिरर के लिए झांसी से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।